अगली खबर है टीकमगढ़ से चित्रकारों को लेकर। शहर के चित्रकार संजीव गुप्ता ने भगवान श्री राम को ओरछा लाने की कथा को चित्रों से फिर जीवंत कर दिया है। उन्होंने कोरोना के दौरान करीब 1.5 साल में भगवान को अयोध्या से लाने की विभिन्न झांकियों को चित्रित किया है। उनकी यह पेंटिंग अब अयोध्या के कनक भवन में सजाई जाएगी। शहर के सेल सागर चौराहा निवासी संजीव गुप्ता ने यह पेंटिंग कोरोना संक्रमण काल में बनाई है। उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन में कोई काम नहीं था तो उन्होंने ओरछा के इतिहास और महिमा का अध्ययन किया। इस दौरान भगवान को अयोध्या से ओरछा लाने की कथा का चित्रण किया। संजीव ने बताया कि उस समय घर में उपलब्ध सामग्री वाटर कलर से यह पेंटिंग बनाई गई। इन चित्रों में संजीव ने दिखाया कि ओरछा रियासत की महारानी कुंवर गणेश श्री राम के दर्शन की लालसा लेकर अयोध्या जाती हैं। अब कई दिनों की तपस्या के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं होते तो वे सरयू नदी में छलांग लगा देती हैं। उन्होंने नदी में बाल रूप में भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं। वे साधु संतों की मंडली के साथ अयोध्या से पैदल चलकर भगवान की ओरछा तक लाती हैं। संजीव गुप्ता ने बताया कि इस कथा को पेंटिंग का रूप देने में उन्हें करीब 1.5 साल का समय लगा। संजीव गुप्ता ने अपनी यह पेंटिंग मलूक पीठाधीश्वर महंत श्री राजेंद्र दास महाराज संत श्री रावतपुरा सरकार महंत किशोर दास महाराज सीताराम दास महाराज सहित अनेक साधु संतों को भेंट की है। सभी ने उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए प्रशंसा पत्र लिखा है। 1631 में रानी कुंवर गणेश भगवान श्री राम को बाल रूप में अयोध्या से ओरछा लेकर आई थी। इसका उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में भी है। अब यह चित्रों के रूप में सामने नहीं आया है। आर्टिस्ट संजीव गुप्ता ने 500 साल पुराने इतिहास को पेंटिंग के माध्यम से नया रूप दिया है। इससे बहुत कम समय में इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। कोरोना काल में जब किसी को कोई काम नहीं था तब मैं अपने घर में रह के ये दो किताबें, एक तो ओरछाधीश की महिमा और एक ओरछा का इतिहास, ये श्री लक्ष्मण सिंह गौर जी की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को पढ़ते हुए हमें अपने माता पिता की ध्यान आई कि उन्होंने भी हमें ये कथा पहले कई बार सुनाई, तो उनकी पुण्य स्मृति में हमने इस कथा को चित्रित करने का निर्णय लिया और पूरे कोरोना काल में लगभग 1.5 वर्ष में ये पूरी कथा हमने कम्प्लीट की। कोरोना काल में कलर वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहे थे, ब्रश वगैरह भी नहीं मिल रहे थे, तो केवल कागजों में हमने पानी वाले कलर से ये पूरी चित्र कथा की है। मधुकर साहिजी उद्योग टीकमगढ़ नरेश जी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें ये चित्र कथा पूरी अयोध्या कनक भवन में एक प्रति लगाने की अनुमति दी है।